हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में हम लोग झारखंड से संबंधित 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर का रिवीजन किए हैं। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागवंशावली के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेनीराम मेहता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में एमस्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीरंदाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 271 धाराएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1902 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल परगना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रब्स सर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कड स्टल सर्वे क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1937 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अध्याय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मिस्टर गैजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के कुल 10 अध्याय हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। तो एक में है, मिस्टर गैजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार संगठन का संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल परगना में पहली रियायती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 87-2 था, यह किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेशा कानून को कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 दिसंबर 1966 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करता रहतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1902 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कुल
तसर उत्पाद का कितना भाग झारखंड में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना एवं कब एवं कहाँ कराई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1932 बेतला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला स्थान है। किसका? तो झारखंड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरायकेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुमला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तिलोया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोडरमा में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेदपुर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NH 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 दूरदर्शन केंद्र है। कहाँ पर? तो झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 के किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्जुन मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 अप्रैल 2008 में झारखंड के सभी जिलों में जो है मनरेगा योजना लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोकुल ग्राम विकास योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 12 तक की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2002 में जो है गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रचना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अप्रैल 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पहला में है वायु प्रदूषण, दूसरा में है जल प्रदूषण, तीसरा में है ध्वनि प्रदूषण, तीनों ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम पशुधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहारदगा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड में कितने जिले आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जिले आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2010 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जल एवं जलवायु संबंधित आपदाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पहला में है चक्रवात, बादल फटना, हिमस्खलन, दूसरा में बवंडर, तूफान, लू, सूखा, तीसरा में शीतलहर, सुनामी, अतिवर्षा, तीनों ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे सैक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्री चंपईन सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवहन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, समाधान पोर्टल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कृषि क्रमण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान के क्षेत्र में दिया गया है, धान के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23वां स्थान मिला है किसको, तो झारखंड को मिला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा किरण बाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25वां स्थान पर कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र में। तो इस वीडियो में हम लोग इस सेशन को कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।